हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीईटी की तो भाई सीई की एडमिशन प्रोसेस और सभी की सभी यूनिवर्सिटी ने मैक्सिमम स्टार्ट कर दिया अब बस दिमाग में बस एक ही डाउट ये है कि क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छी है क्या प्लेसमेंट है क्या रिकॉर्ड्स हैं क्या कैसी कैंपस की फैसिलिटीज हैं सारी चीजों में कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट आ रहे हैं या दिमाग में अलग अलग प्रकार के ख्याल आ रहे हैं तो भाई कैसे होगा इनका रेजोल्यूशन उसके लिए हम लेके आए हैं आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का ओवरव्यू ताकि आपको पता चले कि किस यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज है क्या प्लेसमेंट है क्या कैसी फी स्ट्रक्चर है सारी चीजों को हम जब एक बार देख लेंगे फिर आपके ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आप बेहतर एजुकेशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चुन पाएंगे तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे जो बात करने वाले वो झारखंड की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसकी सारे ओवरव्यू की बात करने वाले वाले तो करना क्या है आपको ये आपको दोस्तों से जरूर शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सीयूटी की हर छोटी बड़ी जानकारी यहां सबसे पहले मिल जाए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भाई झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको बता दूं कि जो 2009 में 16 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी है और इसके हाइलाइट्स को अगर हम देखें तो भाई क्या क्या हाइलाइट्स हैं सबसे पहले तो स्टाब्लिसमेंट कब का है 2009 थाउजेंड एंड नाइन का सोलह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी एजुकेशन फील्ड को डेवलप करने के लिए ताकि हर एक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पाए है ना सो भाई टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये हमें पता है साथ ही साथ अगर, अगर अप्रूव करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से इसको क्या है भैया अप्रूव किया गया है और अगर कैंपस एरिया की बात करें तो 510 एकड़ में फैला भव्य

नहीं मतलब ये कॉलेज

प्लस सीट है एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा तो लगभग छह हैं जो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट ये इसलिए याद रखना है कि सारी की सारी एप्लीकेशन प्रोसेस आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से करना है जो कि क्या है cuj.ac.in यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है ना cuj.ac.in इसके बाद अगर बात करें कोलेबोरेशन तो भैया कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी

अब झारखंड के डिपार्टमेंट्स की बात कर ले तो भैया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक तो भाई अकाउंटिंग एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट है टीचिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है आर्ट्स आर्ट्स में आप फाइन आर्ट्स की बात कर लें विजुअल आर्ट्स की बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो यहां पर मिल जाती है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का भी डिपार्टमेंट है लॉ डिपार्टमेंट और एक साइंस डिपार्टमेंट तो ऐसे नौ डिपार्टमेंट है जहां पर ये इकतालीस से ज्यादा कोर्सेज ऑफर आपको कर रहे हैं कैसे क्या एडमिशन करें तो उसके लिए भई आपको पता है कि हमें किस फील्ड से हैं आप ये पता होना चाहिए फुल टाइम डिग्री कोर्सेस हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज है डिप्लोमा प्रोग्राम्स है तो ये सारे अलग अलग कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे वो आर्ट्स फील्ड के अब अभ्यर्थी हो साइंस से रिलेटेड हो कॉमर्स के हो लॉ स्टूडेंट रहे हो एजुकेशन लैंग्वेज मैनेजमेंट ठीक है ये सभी के सभी पीएचडी लेवल तक के पीजी और पीएचडी लेवल तक के ये सारे के सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं अब यहां पे आपको बता दें कि भाई कैसे क्या आपको एडमिशन करना है सो so, आपने अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है मिनिमम 55 से तो आप क्या कर सकते हैं पीजी डिप्लोमा और पीजी साथ ही साथ पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है एडमिशन करने के लिए कि आपको जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी सी डॉट ए सी डॉट आई एन इस पर जाएंगे आप और सी यू सी टी का एग्जाम जो होता है जिसको CUET बोला जा रहा है अभी ठीक so, है, है तो CUT, यूजी का आपने क्या किया हो? दिया हो. अगर पीजी तो का एग्जाम आपने दिया हो ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है यहां पर रिजर्वेशन वगैरह सारी कैटेगरीज के लिए यहां पर वही है जो सेम रहते हैं है ना अब भाई आप जाएंगे सीयूटी का एग्जामिनेशन देने के बाद यहां पर आपको वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फुल करना है फिल करना है साथ ही साथ देखना है कि कहीं कोई गलती आपने ना कर दी हो तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा फाइनली उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और एक बार ओवरव्यू फाइनली फुल्ली जब सारा कनेक्ट हो जाए आप देख पाओ उसको तो फिर आपको पे करना है फी फी पे करने के बाद भाई जिस भी पर्टिकुलर मतलब कोर्स वगैरह जो आपने चुन लिया था उसकी ही फी करना है सबमिट और पेमेंट होने के बाद इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से पे किया जा सकता है ऑनलाइन के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए नहीं पता चले क्या है अगर मान लीजिए आप यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं सो आपको एटलीस्ट टेंट क्लास की मार्कशीट लगेगी टेंथ क्लास की मार्कशीट इसलिए लगती है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसी से कंफर्म किया जाता है उसके बाद ट्वेल्थ की मार्कशीट लगेगी क्योंकि आप यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं अगर पीजी करना चाह रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट वगैरह लगेंगे साथ ही साथ वैलिड ई मेल होनी चाहिए क्योंकि उसी पे अब आगे ऑनलाइन प्रक्रिया करना है तो ई मेल से ही सारी चीजें होगी तो वैलिड लिखिएगा देख लीजिएगा गलती ना हो साथ ही साथ एक वैलिड मोबाइल नंबर क्योंकि सारे ओ और बाकी की सारी जानकारी के लिए आपका नंबर भी रजिस्टर्ड हो जाता है स्कैन कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए ठीक है पासपोर्ट साइड बड़े वाले नहीं फेसबुक इंस्टा वाले छोटे पासपोर्ट साइड फोटोग्राफ आपके लगेंगे स्कैन सिग्नेचर लगेंगे क्योंकि साइन वगैरह ऑनलाइन हो रहे हैं सारी चीजें साथ ही साथ जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं अगर आप चाह रहे हैं रिजर्वेशन का लाभ उठाना तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके सारे लगेंगे आगे बात कर लें कि भैया कैसे क्या स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है यहाँ यूनिवर्सिटी में तो भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं तो यहाँ की बात करें तो नेशनल फेलोशिप फॉर एस टी स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि झारखंड जो स्टेट है वो बेसिकली वहां पर बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं वो होते हैं वहां रह रहे हैं सो एस स्टूडेंट के लिए ये अलग से नेशनल फेलोशिप फॉर एस स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप दी जाती है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2017, 18 सेवनटीन एटीन ये भी प्रोवाइड करी जा रही थी और वनडेटाइजेशन वर्कशॉप फॉर के आई आई टी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर बायोटेक्नोलॉजी से आप कोई कोर्स कर रहे होंगे तो यहां पर यह स्कॉलरशिप आपको मिलेगी एम एस अग्रता हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप है फॉर द ईयर ऑफ 2016 एंड 17 में ये प्रोवाइड करी गई थी एम एस अग्रता हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन ये फिर ठीक है और 2016 की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी यहां पर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दी गई थी साथ ही साथ इंटर्नशिप एक्शन रिसर्च झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा भी कुछ यहां पर स्कॉलरशिप दी जाती है नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो वहां पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है पच्चीस रुपए जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट के लिए डिसेबिलिटी वाले जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं पर्सन बिस्ट डिसेबिलिटी उनके लिए 2500 लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है, है. साथ ही साथ स्कॉलरशिप टू एलिजिबल स्टूडेंट फॉर जम्मू कश्मीर अंडर द जेके स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना सो so, इसके थ्रू जे एन के अगर आप निवासी हैं और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए भी यहां पर स्कॉलरशिप दी जाती है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप भी है फॉर स्टूडेंट विद डिसबिलिटीज साथ ही साथ स्कॉलरशिप फॉर यूपी स्टेट स्टूडेंट यूपी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं और यहां पर आप एडमिशन करे हुए हैं झारखंड में तो उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप यहां पर दी जाती है तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है यानी फी स्ट्रक्चर की हम बात तो करेंगे स्कॉलरशिप आप देख लीजिएगा बहुत सारी है है ना लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप कोर्सेज और फी की बात करें तो भाई क्या कैसे कोर्सेज ये दे रहे हैं ऑफर कर रहे हैं और क्या फी है यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो ट्वेंटी रुपीज जो है ये टोटल फी है याद रखिएगा कितनी टोटल फी है आपके पूरे एमबीए प्रोग्राम की एम टेक प्रोग्राम यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आप करना चाह रहे हैं प्रोग्राम तो बी होना जरूरी है साथ ही साथ यहां पर उनतालीस नौ सौ उजेंड नाइन हंड्रेड ये एक साल की फी है और दो साल का ये प्रोग्राम होता है याद रखिएगा पी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज पर ईयर की फीस है एम आप करना चाह रहे हैं मास्टर इन आर्ट्स की बात करें तो अलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड वन ईयर फी है साथ ही साथ एम प्रोग्राम के लिए थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज वन ईयर फी है बी एड आप करना चाह रहे बी एड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात चल रही है जिसके लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट होता है उसके बाद ही आप यह कर सकते हैं बाईस हजार तीन सौ बीस रुपया एक साल की फीस है बी ए ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं तो भाई सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज एक साल की फी यहां पर है. याद रखिएगा ये फी स्ट्रक्चर जो है प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये बैरी कर जाता है नई नई स्कीम्स और चीजों को लेके तो प्लीज एक बार अपने हाथ से भी आपको क्या करना है क्रॉस चेक इसको कर लेना है प्लेसमेंट्स की बात कर ले झारखंड यूनिवर्सिटी से तो भैया यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड थे वो 21 हुए थे कब की बात चल रही है 2020-21 के प्रोग्राम की उसमें 21 बच्चे जो है प्लेस करे गए थे हाईएस्ट पैकेज इनका जो था तो वो 8.4 LPA का था 8 लाख 40 हजार पर ईयर ठीक है ना लोएस्ट पैकेज की बात करें तो लोएस्ट पैकेज था 1.44 LPA 1 लाख 44 हजार का सालाना पैकेज था ये और पॉपुलर रिक्रूटर्स जो बड़ी बड़ी थी इनकी वो थी रिलायंस रिटेल एक्सिस बैंक अर्नेस्ट एंड यंग साथ साथ ही जो टॉप कोर्स है यानी सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट मिला एमबीए कोर्सेज के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा रिक्रूट यहां से हुए थे मेजर रिक्रूटर्स की बात कर ले तो हमने देख ही लिए कुछ और भी प्रमुख में रिलायंस रिटेल हमने देख लिया था एक्सिस बैंक हो गया लीडो क्वालिटी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड था डीएलएसएसआर इन्फोटेक था कोटक महिंद्रा बैंक Young, तो हमने देख ही लिया था झारखंड स्टेट लाइवलीहुड ये प्रमोशन सोसाइटी है इसने भी बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट किया था इनसेबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हो गई और न्यासा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड हो गई तो ये बहुत बड़े बड़े इनके रिक्रूटर थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के इन्होंने बच्चों को रिक्रूट किया हुआ था फैसिलिटीज की बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज ये दे रहे हैं मेरे ख्याल से जो एक बहुत ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं हर यूनिवर्सिटी के द्वारा बेसिक जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी है कैफेटेरिया है हॉस्टल फैसिलिटी है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑडिटोरियम हो जाएगा सर्विस हो जाएगी वाईफाई कैंपस आजकल हर जगह हो गए हैं ठीक है ठीके? जिम की भी यहां पर सुविधा है साथ ही साथ लेबोरेटरीज वगैरह भी यहां पर प्रॉपर आपको ये फैसिलिटीज दी जाती है इसके अलावा भी बहुत सारी सिंपल फैसिलिटीज होती है जो हर एक यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है तो ये पूरी की पूरी बात हमने कर ली किसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की अगर आप एडमिशन चाह रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में और आपको डाउट हो रहे थे तो मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं अगर फिर भी कुछ डाउट बचे हैं तो कॉमेंट जरूर करिए ताकि उनको भी हम यहाँ पर रिजोल्व कर पाए तो अगले वीडियो में अगली यूनिवर्सिटी की जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक क्या करना है वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल पाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.